हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान विद मी। सो टुडे इज माय टॉपिक इज द कंजक्शन। कंजक्शन इज आल्सो नोन एज कनेक्टर। हाउ दिस इज अ मेन थिंग इज यू नो, जैसे हम किसी चीज़ को जोड़ते हैं, ठीक है, तो अगर हम कहें कंजक्शन वह है जो दो शब्दों और वाक्यों को आपस में मिलाता है। कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंट्स वर्ड्स एंड सेंटेंस टूगेदर, दैट्स कॉल्ड कंजक्शन। अब हम बात करते हैं किसके, काइंड ऑफ कंजक्शन के, ठीक है। तो काइंड ऑफ कंजक्शन बेसिकली कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन यानी समानपदीय कंजक्शन, और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन यानी आश्रित। जैसे होता है ना सब इंस्पेक्टर हुआ, तो ये सब मतलब क्या है, किसी के ऊपर आश्रित हुए। और कोऑर्डिनेट मतलब आपस में मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो अगर हम डिफाइन करें कि व्हाट इज कोऑर्डिनेटिव, तो यहाँ पर क्या है, समानपदीय संयोजक वह संयोजक होता है जिसके द्वारा समान पद वाले शब्द या वाक्य आपस में एक दूसरे से जोड़े जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट। जैसे 2 and 2 makes 4, कैलाश एंड गोपाल आर फ्रेंड्स, ही पास्ड बट हिज सिस्टर फेल्ड, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सब कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, सबऑर्डिनेट की। आश्रित संयोजक वह होता है जो आश्रित उपवाक्य यानी सबऑर्डिनेट के दूसरे उपवाक्य से मिलता है। जैसे व्हेन फादर कम आई वॉज रीडिंग ए बुक, जब मेरे पिताजी आए तो मैं क्या कर रही थी, किताब पढ़ रही थी, ठीक है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। यहाँ पर क्या है कि ये अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तभी तुम सफल होगी, तो पहले शब्द दूसरे शब्द पर क्या है, आश्रित है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रथम शब्द व्हेन और इफ, और इस तरह से। तो इसके कुछ वर्ड्स हैं जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन में यूज किए जाते हैं, उनको हम लोग पहले याद करेंगे। देखिए कैसे याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। देखिए आफ्टर, बिकॉज, इफ, दैट, थ्रू, ऑल्दो, व्हाइल, नाउ, हाउ, अनटिल, टिल, बिफोर, अनलेस, as, when, where, since, then. So these are the some important conjunction which is very important for the conjunction, kind of conjunction. Today we focus